हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। मैं रुपेश कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए बीएससी मैथ्स के लिए इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। और इस क्वेश्चन में जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यानी कि यह क्वेश्चन बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। कब कैसे हम लोग किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को। और यह क्वेश्चन आपको क्लास ट्वेल्थ और बीएससी मैथ्स के बेसिकली पार्ट वन के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन रेज टू द पावर फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस वन रेज टू द पावर टू प्लस फाइव, और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे, अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, किस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग मानेंगे किसी के इक्वल, तो आप देखेंगे x माइनस वन दोनों में यह टर्म है और इस पे होल पावर है। तो अगर इस टर्म को हम लोग मान ले किसी चीज के इक्वल, किसी वेरिएबल के किसी एक वेरिएबल के इक्वल, तो हम लोगों का कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुटिंग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी। मैंने टी के इक्वल इस टोटल वैल्यू को रख दिया। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, डी एक्स, और यह कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाएगा जीरो। तो कोई इस पे चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं और यह डीटी। अब यहाँ से जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है, पुट किया है। तो यह जो वैल्यू है इंटीग्रेशन का, यह पार्ट इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन रेज टू द पावर फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस वन रेज टू द पावर टू प्लस फाइव डी एक्स को लिखेंगे, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन। अभी इस एक्स माइनस वन के वैल्यू पे आप टी को पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, यह टी टू द पावर फाइव एक्स माइनस वन के पोजीशन पे, इसकी जगह पे हम लोगों ने पुट किया है टी। इसी तरीके से यहाँ पे टी पुट करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस थ्री, और एक्स माइनस वन के जगह पे है यहाँ पे टी, तो इसका पावर क्या है, टू प्लस फाइव, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो डी एक्स के लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी, क्योंकि इस टर्म को यहाँ पे एक्स के टर्म में जो यह था इसको हम लोग टी के टर्म में चेंज कर लें, तो इंटीग्रेशन भी अब टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी टी हो गया। अब इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपने इस तरीके से इंटीग्रेट किया होगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा, आप एक एक करके अलग अलग करके भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं अलग अलग करके सबको लिख दूं, या एक साथ भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म के लिए चलिए एक साथ ही कर लेते हैं, टी रेज टू द पावर फाइव, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज टू द पावर सिक्स बाय सिक्स। यह कैसे आया, तो आपको यहाँ पे सिंपली फार्मूला लगाना था एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन का, और यह हो जाता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे पावर क्या है, n के पोजीशन पे क्या है, फाइव है, यहाँ पे t डैश टू द पावर फाइव, तो n के जगह पे आप फाइव रख दीजिए, और x के लिए यहाँ पे क्या है, t है, तो यह आ जाएगा t डैश टू द पावर सिक्स बाय सिक्स। और इसी तरीके से प्लस यह हो जाएगा थ्री, और सॉरी यहाँ से हम लोग कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो यह आ गया थ्री, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री। प्लस इसी तरीके से फाइव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाइव टी, और इस पे पावर वन है तो आप यहाँ पे वन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो यह आ गया हम लोगों का इसका इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें x के टर्म में दिया हुआ था, तो अब t के पोजीशन पे जो जो वैल्यू था, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम लोग x माइनस वन रख देंगे। तो यह आ जाएगा आपको, यहाँ से आप x माइनस वन पुट कर दीजिए, क्योंकि इस t के पोजीशन पे हम लोगों ने x माइनस वन को t के इक्वल कंसिडर किया था। तो t के लिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x माइनस वन, और इसका होल पावर क्या है, सिक्स है अपॉन सिक्स। इसी तरीके से प्लस, अब यहाँ से देखेंगे थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, और यह है टी, टी के लिए फिर क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स माइनस वन रेज टू दी पावर थ्री। अगेन अब यहाँ पे क्या बचता है हम लोगों को, फाइव टी, तो फाइव और टी के लिए फिर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन और कॉन्स्टेंट टर्म सी, और कॉन्स्टेंट टर्म सी क्यों लिए, चूंकि यह एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना था कि कोई एक कॉन्स्टेंट टर्म है सी। यहाँ ब्रैकेट का तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप डाल लीजिए या नहीं डालिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यह इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से इसको और आप सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको वन बाय सिक्स, और यह एक्स माइनस वन रेज टू द पावर सिक्स प्लस, अब यहाँ पे इस टर्म को लिख लेते हैं x माइनस वन रेज टू द पावर थ्री, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। और आप देखेंगे c को ये कॉन्स्टेंट टर्म है, और माइनस फाइव भी क्या है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो दो कॉन्स्टेंट टर्म जो मिलके कोई एक टर्म बनेगा, वह भी अगेन एक कोई कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हम लोग इसको के इक्वल या सी के इक्वल कुछ भी मान सकते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म के इक्वल। तो चलिए इसको इन दोनों को मिला के हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा वन बाय सिक्स, और यह हो गया एक्स माइनस वन रेज टू द पावर सिक्स प्लस एक्स माइनस वन रेज टू द पावर थ्री प्लस फाइव एक्स, और इसको मैंने यहाँ पे के इक्वल मान लिया, कोई कांस्टेंट टर्म के इक्वल इन दोनों को। तो यहाँ से यह हो गया आपका आंसर। तो इसको आप लिख सकते हैं हेंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर फाइव, इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ, प्लस थ्री एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर टू प्लस फाइव का इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यह आ गया किसके इक्वल, यह आ गया वन बाय सिक्स इंटू एक्स माइनस वन रेज टू द पावर सिक्स प्लस एक्स माइनस वन रेज टू द पावर थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस के। तो यह हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से आपने अभी देखा किस तरीके से हम लोग कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, मतलब किसी टर्म को जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा और जो कॉमन देखने में से ही क्वेश्चन में आपको लगने लगेगा किस टर्म को पुट करें, सो दैट हमारा कैलकुलेशन इजी बन जाए, और उसके बाद उस वैल्यू को किसी टर्म के इक्वल, आप यहाँ पे x माइनस वन को u के इक्वल भी मान सकते थे, किसी के इक्वल मान के आप उसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, और जब आ जाएगा उसके बाद जो टर्म आप पुट किए थे उसके बदले फिर अगेन उस टर्म को पुट करके उसको सॉल्व कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं फिर कुछ क्वेश्चन के साथ मिलूंगा आप लोगों के बीच, तब तक के लिए गुड बाय।